पहले यहाँ पे जमा करके रख दिया। यार मैं ज़रूरत की चीज़ें जो होती हैं, मिर्च वगैरह, खीरा वगैरह, इस तरह की चीज़ें मैं लगाऊंगा। तबीयत ख़राब हो, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई बहाना नहीं। तो वहाँ पे हल चलाया, अभी यहाँ पे हल चला रहा है भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा हम गलमित गए, बल्कि आलू की क्यारियाँ बनाई, देन उसके बाद गलमित गए, पानी का चैनल साफ़ किया, और आज हम यहाँ पे वेजिटेबल्स के लिए क्यारियाँ बना रहे हैं। ऐसा खाद कम पड़ता है, थोड़ा और लेके आना है। बाकी सुबह से मैं लगा हुआ था काम पे, लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से मैं शुरू के ये पार्ट्स में नहीं बना पाया, क्योंकि लाइट का ज़्यादा इश्यू होता है इधर, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो चले जी, और अच्छा हुआ अभी लाइट आई है, थोड़ा चार्ज किया फ़ोन। अभी थोड़ा और खाद लेके आना है, यहीं बाहर से ही खाद लेके आना है, यहाँ जो मवेशी खाना है। यहाँ पे हम वेजिटेबल्स के लिए ये जगह क्यों चुनी मैंने, क्योंकि यहीं पे घर है तो इजी हो जाता है, यहीं से ले जाके पकाने के लिए इजी हो जाता है। इस टोकरी की हालत देख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ये भी रिपेयर करूँगा, कल परसों तक फ्री होकर मैं इसको रिपेयर करूँगा। इसी में मैं खाद लेके आ रहा हूँ यहाँ के लिए। तो चले जाएं, ये काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे जमा करके रख दिया था मैंने, अभी सूख गई है ये, तो क्यारियों के लिए ये सूखी हुई और ये नरम मैन्योर जो होती है काफ़ी अच्छी होती है। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे हल चलाया हमने, आप लोग को मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है, वाकई में सही नहीं है। फ्लू हुआ है, नज़ला ज़ुकाम खांसी, जिसकी वजह से हालत मेरी टायर्ड है। तो कल मैंने यहाँ पे खाद वग़ैरह ला के बिछाया था खाद, और आज जलाल को बोला था यार आके मिनी ट्रैक्टर लेके आओ यहाँ पे, इसको थोड़ा सा, अब क्या बोलूँ यार, शिनाम है ऐसे कुछ वर्ड है। तो या इन क्यारी में ज़रूरत की चीज़ें जो होती हैं, मिर्च वग़ैरह, खीरा वग़ैरह, इस तरह की चीज़ें मैं लगाऊंगा। तो अभी नहीं कर रहा, अभी पीछे नाना के वहाँ पे भी एक क्यारी है, अभी जलाल वहाँ पे गया, मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ, तो वहाँ पे भी हल चलाते हैं। देन उसके बाद तबीयत जब मेरी थोड़ी सही होगी तो मैं इन क्यारियों को बराबर करूँगा, क्यारियाँ बनाऊँगा, देन उसके बाद खाला को बोलूँगा कि बीज डाले। विलेज में ऐसा होता है भाई, अगर आपकी तबीयत भी ख़राब हो रही हो ना, डेली रूटीन के जो काम होते हैं आपने करने ही करने होते हैं, तो तबीयत ख़राब हो, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई बहाना नहीं, तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी काम करना पड़ता है इधर। तो गाय बगैर भी संभालना है मैंने, तबीयत ख़राब है मेरी, उनके लिए चारा वगैरह डालना है, तबीयत ख़राब है मेरी, दूध निकालना है, फिर भी तबीयत ख़राब है मेरी, करना तो है काम, काम तो करना है मैंने, डेली रूटीन है ये, डेली रूटीन के काम तो करने ही है किसी भी सूरत में।
यहाँ पे भी क्यारियाँ बनानी है हमने। तो इस तरफ तो ग्रास है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रास है। यहाँ पे क्यारियाँ बनाने के लिए जगह छोड़ी थी, तो यहाँ पे क्यारियाँ बनाई हैं। यहाँ पे हल चलाता है। उसके बाद यहाँ पे भी एक टुकड़ा है, यहाँ पे भी क्यारियाँ बनानी है। तो यहाँ पे भी क्यारियाँ बनानी हमने। तो ये देख सकते हैं स्प्रिंग आ चुका है। तो वहाँ पे हल चलाया, अभी यहाँ पे हल चला रहा है भाई। मेरे हाथ भी देख सकते हैं, हाथों के पकोड़े बन चुके हैं मेरे। यहाँ पे भी हमने हल चलाया। तो अभी भाई जा रहे हैं, इनको मैं पेमेंट कर देता हूँ। जी तो पेमेंट भी हो गई, मेरा काम भी हो गया। अभी सारा लोगों को बोलूँगा आके बीज वगैरह डालेंगे वेजिटेबल्स के। पता नहीं क्या क्या बनाएंगे इधर, जब बीज डाल रहे होंगे मैं बता दूँगा क्या क्या डाल रहे हैं। यहाँ पे टमाटोज होंगे, मे बी क्या प्याज होगा, अदरक लहसुन तो मैं भी यहाँ पे होता नहीं है, और सब्जियाँ होंगी, काफ़ी सब्जियाँ होंगी। अब भिंडी वगैरह भी बनाते हैं, तो वो भी सही बनती है इधर भिंडी भी। तो देखते हैं क्या बनाते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर, फिर शाम में जाके खाला को बोलूँगा, देन वो सुबह आके ये क्यारियाँ बनाएंगी। ट्री जो है आड़ू का है, सामने वाले चेरीज के हैं, और ये क्या कहते हैं यार, खुबानी के ट्री हैं। काफ़ी ट्रीज हैं यहाँ पे। जब फसल लेगा पकेगा तो मैं ज़रूर विज़िट कराऊँगा। और ये भी क्या कहते हैं, खुबानी की ट्रीज है, ये एप्पल का ट्री है, और सामने ये जो बड़ा वाला नज़र आ रहा है ना, ये अखरोट का ट्री है। तो ये देख सकते हैं, ये सारे हमारे नाना के हैं। तो नाना की ज़मीन ही है पूरी। तो चले जी, बस घर चलते हैं। तबीयत तो आप लोग को पता है मेरी सही नहीं है, तो जाके मैं सो जाता हूँ मेडिसिन कोई लेके। तो चले जी, कल मिलते हैं।